दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी वो भी स्पेशली वो खांसी जिसमें गले में टिकलिंग हो और साथ में लेटने पे बढ़ जाए, तो ऐसे खांसी का क्या कारण हो सकता है और ये खांसी क्यों होती है, इसमें कौन सी दवा देनी है, इसी के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वो खांसी जो कि लेटने से बढ़ जाए, टिकलिंग हो, उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि गले में जो यूला होता है बीच में, जिसको गलघंटी बोलते हैं हम लोग, जब कभी उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो लटक आता है। तो जब लटक आता है तो क्या होता है कि जब हम लेटते हैं तो लेटने के दौरान गले में सरसराहट से होती है, चूँकि टच होता है जहाँ पे वहाँ सरसराहट से होती है, टिकलिंग सेंसेशन होता है और खांसी उठाती है। बलगम निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, लेकिन वो टिकलिंग होगी उसकी वजह से खांसी आती है। तो दोस्तों ये स्पेशल कारण होता है जब भी लेटने की वजह से अगर खांसी हो, जब बिस्तर पर रात में आप लेटने जा रहे हैं या दिन में लेटने जा रहे हैं, तो जैसे लेटने पर जा रहे हैं तो टच होता है, तो जब भी अगर इस तरह से खांसी हो तो एक बार अपना यूला ज़रूर टेस्ट करें। आप जब मुंह खोलेंगे तो बीच में एक लटकता है जिसको बोलते हैं हम लोग गलघंटी बोलते हैं या यूला बोलते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर टेस्ट करें। बड़ी बार इसके अंदर सूजन हो जाती है या नीचे लटक आता है तो उसकी वजह से खांसी होती है। अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में दोस्तों गुनगुना पानी पीना चाहिए ताकि वो जो इन्फेक्शन उसके अंदर में है, जो यूला के अंदर इन्फेक्शन आया है, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाए। जैसे जैसे दूर होता जाएगा जो सूजन है, सूजन उसकी कम हो जाएगी, तो उसकी जो साइज है वो भी छुट्टी हो जाएगी, खांसी अपने आप बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका होम्योपैथिक दवाओं का, जब यूला बढ़ा हुआ हो तो वैसी कंडीशन के लिए कई सारी दवाएं हैं। कुछ मुख्य दवाएं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहली दवा है काली बाइक्रोम। यूला बढ़ा हो तो काली बाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। कंडीशन क्या होती है कि उसके साथ में जो बलगम होता है उसमें ऐसा महसूस हो कि बलगम कहीं चिपका हुआ है या जो बलगम है वो तार जैसा खींचा हुआ महसूस हो, कहीं चिपक जाए तो उसको छुड़ाने पर तार जैसा बन जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रोम। बलगम का जो कलर होता है वो सफ़ेद हो सकता है, सफ़ेद और हरे रंग का हो सकता है। दोस्तों दूसरी दवा है काली कार्ब। काली कार्ब बहुत अच्छी दवा है, जब भी यूला बढ़ा हुआ हो तो वैसी कंडीशन के लिए खांसी आती है, सूखी या बलगम हो सकती है, साथ में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, सुबह उठने के बाद में खांसी होती है और जब भी पेशेंट लेटता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। तीसरी दवा है दोस्तों बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब भी बहुत अच्छी दवा है ऐसी खांसी के लिए जिसमें यूला बढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो वैसी कंडीशन के लिए उसमें जिसका जो सिम्टम होता है उसके अंदर मुंह में लार बनी होती है और लेटने पे लार रात में बाहर कभी कभी आ जाती है, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है बेराइटा कार्ब। अगली दवा है दोस्तों फाइटोलक्का। फाइटोलक्का भी एक बहुत अच्छी दवा है जब भी यूला बढ़ा हुआ हो तो वैसी कंडीशन के लिए। तो ये सारी दवाएं हैं दोस्तों जो कि यूला बढ़ा होने पे बहुत काम आती हैं और अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की खांसी को बहुत आसानी से सही किया जा सकता है। इसके अलावा टिकलिंग करके खांसी है तो रिमेक्स भी बहुत अच्छी काम करती है। तो दोस्तों ये सारी कुछ दवाएँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।